हेलो गाइस, तो आज आप लोगों के लिए एक अपडेट्स लेके आया हूँ, बहुत ही बढ़िया अपडेट्स लेके आया हूँ BRMGSS की तरफ से। तो ये अपडेट्स आप लोगों के रिक्वेस्ट हैं, मतलब आप लोग हमेशा पूछते थे कि मतलब अंसलारी का काम क्या होगा, मुंशी का काम क्या होगा, सरदार का काम क्या होगा, ऐसा पूछते रहते थे। तो उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊँगा, इसके बारे में एक कन्फर्म न्यूज़ मिला है, तो इसके बारे में फुल डिटेल्स में बातें करेंगे आगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी को मेरे और एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रख दीजिए, ताकि आगे भी आप लोगों को BRMGSS से रिलेटेड ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट्स मिलते रहे। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ फिर मैं शुरू करूँ। और अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो, कोई भी कुछ जानना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये क्या चीज़, मतलब क्या है, अंसलारी का काम क्या होता है, मुंशी का काम क्या होता है, सरदार का काम क्या होता है, उसके बारे में फुल डिटेल्स में बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं डेटा सबमिशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, डेटा सबमिशन आप लोगों का जो भी रजिस्टर वगैरह में आप लोगों का साइन हुआ है वो ऑलरेडी सबमिट हो गया है। तो अभी मतलब एक लिस्ट तैयार करके हर गोदाम से भेजा जाएगा, मतलब हर जोन से भेजा जाएगा एक लिस्ट तैयार करके। तो वो लिस्ट डायरेक्ट रेलवे बोर्ड में जाएगा वो लिस्ट, तो वहाँ से आप लोगों का एक नोटिस तैयार होके आएगा आप लोगों के गोदाम में। तो उस नोटिस के हिसाब से आप लोगों को ज्वाइनिंग देगा, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है। तो ये ज्वाइनिंग आप लोगों का शायद दिसंबर लास्ट या तो जनवरी से स्टार्ट होगा, ये बहुत ही जल्द होने वाला है। तो आप लोग तैयार हो जाइए अपना डॉक्यूमेंट्स लेके, तो आप लोगों का ज्वाइनिंग होने वाला है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मुंशी का काम क्या होता है, सरदार का काम क्या होता है, अंसलारी का काम क्या होता है, लेबर का काम क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंशी का, मुंशी का काम क्या होता है। देखिए, मुंशी का काम इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, सबसे कम काम मुंशी का ही होता है। मुंशी को सिर्फ 5 से 6 या 6 से 7 लेबर को हैंडल करना होता है कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसको हैंडल करना होता है। उसके बाद उन लोगों का मतलब देखभाल करना होता है कि उन लोगों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उन लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, वो देखना होता है मुंशी का काम, और कुछ नहीं है। और यही था मुंशी का। और सरदार का काम देखते हैं। सरदार का काम बोले तो आपका सरदार का 40 to 50 लेबर्स को हैंडल करना होता है। सबसे ज़्यादा काम सरदार का ही होता है, 40 to 50 लेबर्स को हैंडल करना होता है कि वो क्या काम कर रहे हैं, कितना काम किए हैं, उन्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये सब के बारे में हैंडल करना होता है सरदार को। तो सबसे ज़्यादा काम सरदार का ही होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अंसलारी का काम क्या होता है। अंसलारी का काम क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, अंसलारी का काम ये होता है, जो औरत लोग करते हैं अंसलारी, उसे अंसलारी कहते हैं। जो अंसलारी का काम ये होता है कि जो भी मतलब बोरी नीचे बिखर गया हो, गिर गया हो, उसको साफ करना है, या गोदाम खाली हो गया हो उसको साफ करना है, तो वो काम अंसलारी देखते हैं। और अंसलारी के बीच अंसलारी को मतलब 6 से 10 या 10 से 15 लेबर को ये करना होता है, मतलब सुपरवाइज़ करना होता है, उन सब लेबर को देखना होता है कि उन सब लेबर को काम करवाना होता है कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं, वो सब देखना होता है। और अंसलारी का काम यही है। और लेबर का काम होता है कि सबको असिस्ट करना होता है, जैसे कि आपको अंसलारी को असिस्ट करना होता है, फिर सरदार को असिस्ट करना होता है, मुंशी को असिस्ट करना होता है, मतलब उन लोगों के अंडर में काम करना होता है लेबर का काम। तो यही था आपका जो वर्क स्ट्रक्चर, आपका सरदार, मुंशी, अंसलारी, ये सब का लेबर, ये सब का वर्क स्ट्रक्चर यही था। बस यही था आज के अपडेट्स में। आप लोगों का काम बहुत ही जल्द होने वाला है, दिसंबर अंत तक नहीं तो जनवरी से आप लोगों का जॉइनिंग स्टार्ट हो जाएगा, और फरवरी या मार्च से आप लोगों को सैलरी भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग धैर्य रखिए और आप लोग अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब कम्प्लीट करके रखिए, काम ज़रूर होगा, होने वाला है, मतलब हो ही चुका है। तो बस यही अपडेट देना था आप लोगों को। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे हो। अगर अच्छा लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रख दीजिए, ताकि आगे भी आप लोगों को ऐसे ही BRMGSS से रिलेटेड छोटे बड़े अपडेट्स मिलते रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।